नमस्कार, मैं मीनू एम एस दिवदिशा में स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोमवारी अमावस्या, जो कि सोमवती अमावस्या के नाम से भी आप जानते होंगे। और ये जो है किसी भी माह की यानी महीने के सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं, यानी सोमवारी अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत का हमारे प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महात्म्य है। अतः इस दिन प्रातःकाल किसी भी नदी या गंगा यमुना या सरयू इत्यादि यानी या अपने घर में भी स्नान करना उत्तम माना गया है और फलदायक माना गया है। और इसके बाद भी श्री तुलसी जी, शंकर जी, पार्वती जी की विधि विधान के सहित भक्ति पूर्वक पूजा करके उन पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद उसी सिंदूर को अपनी मांग में भरकर हाथ जोड़कर पार्वती जी से अपने स्वाहाग सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं, तथा पीपल की भी परिक्रमा करनी चाहिए। और इसके पश्चात आगे दी गई जो है मैं आपको जानकारी और दूंगी। और इसके साथ में कई लोग जो है पीपल जी के, अगर पीपल नहीं है पास में, तो तुलसी के गमले में शालिग्राम जी को रख के उसका फेरा लगाते हैं। 14 से लेके 108 तक फेरा लगाया जाता है। तो ये मैं आपके लिए कथा लेके आई हूँ सोमवारी अमावस्या की व्रत कथा, वो इस प्रकार है। महाभारत के युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात जब भीष्म पितामह जी सरशैया पर लेटे हुए थे, तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपने समीप जाकर और प्रणाम कर सबके हित के लिए उनसे पूछा, हे भगवान, बड़े क्रोधी भीमसेन ने कुरुवंश के प्रमुख व्यक्तियों तथा अर्जुन ने अनेक राजाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पापी दुर्योधन के कुमंत्र से हमारा कुलक्ष हो गया और अब इस पृथ्वी पर बालक या वृद्ध के सिवाय कोई राजा नहीं बचा है। इस भरत वंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं, इसलिए यह क्षत्रिय राज्य हमें शोभा नहीं देता तथा अपनी संतति का विच्छेद देखकर मन अत्यंत दुखी व उदास रहता है। और उत्तरा का गर्भ जो अश्वत्थामा के शस्त्र से नष्ट हुआ है, उस कारण मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे पितामह, आप ही कहिए कि हम क्या करें और कहां जाएं जिससे हमें चिरंजीव संतान प्राप्त हो सके। श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, सुनो हे राजन, मैं सब व्रतों में एक उत्तम व्रत कहता हूं जिसके करने से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो सकती है। हे पार्थ, जब सोमवार युक्त अमावस्या हो, तब मनुष्य पीपल के नीचे जाकर जनार्दन भगवान की पूजा करे और 108 रत्न या धातु या फलों को लेकर उस वृक्ष की परिक्रमा करे। हे राजन, यह व्रत राज अति शुभ फल देने वाला और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। इसी व्रत को अब आप उत्तरा से कराओ, तब उसका मृतक गर्भ जिएगा जो तीनों लोक में विख्यात होगा। पितामह के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु, आप इस व्रत की व्याख्या कीजिए और यह व्रत मनुष्य लोक में किससे प्रकाशित हुआ है और किसने मनुष्य लोक में इस व्रत को किया है। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, कांची नामक एक बहुत बड़ा नगर था। यह नगर चांदी के पर्वतों के समान बड़ी बड़ी उच्च ध्वल अटारियों से सुविराजित था। सुंदर वेश वाले नगर के नर नारियों से सुशोभित था और अपने अपने कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा शूद्रों से आवृत था। वह नगर रूप तथा चतुराई युक्त उत्तम वेश्याओं से अलंकृत मानो कुबेर की अलकापुरी और इंद्र की अमरावती पुरी के समान था। उस नगर के राजा का नाम रत्नसेन था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। उस राज्य में एक देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की अति सुंदरी धनवती नाम की पत्नी थी। धनवती अपने नाम के अनुसार मूर्तिमयी दूसरी लक्ष्मी थी। उस पत्नी से देव स्वामी के ही सदस्य बड़े गुणी 7 पुत्र और गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उन 7 पुत्रों का विवाह हो गया और वे आनंद से अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। गुणवती कन्या अपने अनुरूप पति चाहती थी। इसी बीच एक ब्राह्मण एक दिन उनके घर भिक्षा लेने आया। देव स्वामी की सातों बहुओं ने उनको भिक्षा दी और बारी बारी से आकर उनको भिक्षा दी। ब्राह्मण ने उन सबको अवैधव्य और सौभाग्य संपत्ति का आशीर्वाद दिया। धनवती ने अपनी कन्या गुणवती को भी भिक्षा देने को भेजा। गुणवती ने आकर प्रस्थान के लिए उद्दत भिक्षुक को रोककर भिक्षा दी।
तो उस भिक्षुक ने कहा, तुम धर्मवती हो। इस आशीर्वाद को पाकर गुणवती ने अपनी माता से बताया। वह यह सुनकर ब्राह्मण के पास आई और कहा, चिंतित होकर बोली, हे भगवान, हे विप्र, आपने मेरी बहुओं को सदा सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया तथा मेरी कन्या को आपने विपरीत वरदान क्यों दिया? तब भिक्षुक ने कहा, हे देवी, तुम जगत में विख्यात चरित्रवती हो। तुम्हारी कन्या को मैंने जो आशीर्वाद दिया है सो उसके योग्य है, क्योंकि गुणवती अपने विवाह के मध्य में विधवा हो जाएगी। इसलिए इससे जहां तक धर्माचरण हो यह करे। धनवती ने कहा, हे विप्रेंद्र, आप इसके प्रतिकार का उपाय भी अवश्य जानते होंगे, सो हे दयानिधे, मुझे दया करके कोई उपाय बता दें। तब भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, जब कभी तेरे घर सोमा आवे तब हे देवी उस सोमा का विधिवत पूजन करने से इसका वैधव्य दूर हो जाएगा। धनवती ने कहा कि हे द्विज देव, सोमा कौन है, कौन जाति की है और वह कहाँ रहती है और क्यों उसके आने से वैधव्य दोष नाश हो जाता है? यह सुनकर भिक्षुक ब्राह्मण ने कहा, सोमा जाति की धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। वह यदि तेरे घर आएगी तो वैधव्य दोष भंग हो जाएगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण भिक्षुक वहां से अन्यत्र चला गया। धनवती ने सारा हाल अपने पुत्रों से कहा। गुणवती को मैंने और तुम्हारे पिता ने बड़े लाड प्यार से प्याला पाला है। अब यह सोमा के आने पर वैधव्य दोष से मुक्त हो सकती है। सो इस जिसको पिता की भक्ति तथा माता के वचन का ध्यान हो वह अपनी बहन को साथ लेकर सोमा को लाने के लिए सिंगल द्वीप जाए। पुत्रों ने धनवती की बात सुनकर कहा, माँ, तुम्हारा हृदय पुत्री के स्नेहवश व्याकुल है। यही कारण है कि तुम हमें सोमा को लाने के लिए कठिन यात्रा पर भेजना चाहती हो, क्योंकि उस मार्ग में 100 योजन विस्तृत दुर्लक्ष्य दुस्तर समुद्र है। इसलिए हम वहां जाने में सर्वथा असमर्थ है। देव स्वामी ने कहा, हाय, मैं 7 पुत्रों का पिता होकर भी निपुता हूँ। अच्छा, कोई मत जाओ, मैं स्वयं सिंघला द्वीप जाकर वैधव्य को नाश करने वाली सोमा को लाऊंगा। कुपित पिता देव स्वामी के वचन सुनकर उसके सबसे छोटे पुत्र शिव स्वामी ने कहा, पिताजी, आप इस प्रकार कुपित ना हो, मेरे होते हुए आपको सिंघल द्वीप जाने की आवश्यकता नहीं। अतः गुणवती को साथ लेकर मैं वहां जाऊंगा और कष्ट से छुड़ाऊंगा। इतना कहकर और माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर शिव स्वामी अपनी बहन गुणवती को साथ देकर सिंघल द्वीप को रवाना हो गया। कुछ दिन तक चलने के पश्चात वह दोनों समुद्र तट पर पहुंचे और वहीं पर उन्होंने बड़ा भारी वट वृक्ष देखा। उसके खोते में गीत के बच्चे रहते थे। उसी के नीचे बैठकर शिव स्वामी और गुणवती ने वह दिन बिता दिया। उसी समय वह गीत बच्चों के लिए चारा लाया और अपने बच्चों की को चुगाने लगा। पर उस दिन शावकों ने गीत से चारा नहीं खाया। उस पर गीत ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या बात है जो तुम भूखे होने के बावजूद चारा क्यों नहीं चुग रहे हो? मैं तुम्हारे लायक कोमल और ताजा मांस लाया हूँ। यह सुनकर गीत के बच्चे बोले, पिताजी, आज वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके खाए बिना हम कैसे भोजन कर लें? अपने बच्चों की बात सुनकर गीत ने शिव स्वामी और गुणवती के पास जाकर कहा, हे द्विज, तुम्हारा काम हो गया, मैं स्वयं तुम्हारा काम करूंगा। जो तुम्हारा काम हो मुझसे कहो और कुछ भोजन कर लो। गीत की बात सुनकर उन दोनों ने भोजन किया और उनके कहे अनुसार गीतराज ने उन दोनों को समुद्र के पार उतार दिया। समुद्र पार कर लेने के बाद वो सिंघल द्वीप में जाकर सोमा के घर के समीप ही टिक गए। तब से वे दोनों नित्य प्रति प्रातः काल उठकर सोमा के घर को बुहारने व चौका लगाने लगे। इस प्रकार एक वर्ष का समय बीत गया। एक दिन सोमा ने अपने पुत्रों से पूछा, ये प्रातः काल कौन हमारे घर का चौका लगा जाता है, यह मुझको बतलाओ। तब वे बोले, हमने तो ना कभी बुहारी लगाई और ना लीपा ही है। अपने पुत्रों का यह उत्तर सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और तब एक दिन सोमा रात्रि को कोने में छुप कर बैठ गई और प्रातः काल उसने शिव स्वामी और गुणवती को आंगन में लीपते हुए देखा। तब सोमा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? शिव स्वामी ने कहा, हम दोनों ब्राह्मण हैं। इस पर सोमा ने कहा, तुम दोनों ब्राह्मण होकर भी मेरे घर में झाड़ू लगाते और लीपते हो, मैं इस पाप से कौन सी गति पाऊंगी, क्योंकि मैं तो जाति की रज की धोबिन हूँ और आप ब्राह्मण हैं। तुमने ब्राह्मण होकर मुझको क्यों अपराध लगाया? यह सुनकर शिव स्वामी ने कहा, यह मेरी गुणवती नाम की सुमध्यमा बहन है,
गुणवती को लेकर तुम्हारी सेवा करने को यहाँ आई है आया हूँ। सोमा ने कहा, बस आज के बाद तुम यह काम नहीं करना, तुम्हें नहीं करना है। मैं तुम्हारी आज्ञा से जहाँ तुम कहोगे वहाँ चलूंगी, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। इसके बाद उसने अपनी पतुहों से कहा, मैं यहाँ से इनके साथ जा रही हूँ। आज से इस राज में कोई भी प्राणी मरे, तुम उसकी लाश को ऐसा प्रबंध करना कि जब तक मैं ना लौटूं उसे कोई चलाने ना पावे। उसकी पुत्रवधु ने कहा, बहुत अच्छा। इसके पश्चात वह दोनों को साथ लेकर समुद्र के तट पर पहुंची और क्षण भर में उन दोनों को समुद्र के पास पार पहुंचा दिया। स्वयं आकाश मार्ग से समुद्र पार हुई और फिर सोमा के प्रभाव से सब देखते ही देखते कांचीपुर में पहुंच गए। तब धनवती ने सोमा आई देखकर प्रसन्न मन से पूछा कि इसके बाद शिव स्वामी अपनी बहन के सदृश वर लाने को उज्जैन नगरी में गया और वहां से देव शर्मा ब्राह्मण के पुत्र रुद्र शर्मा को, जो कि बड़ा गुणी था, उसे अपनी बहन गुणवती के वर हेतु ले आया। उसके साथ गुणवती का विवाह सोमा ने करवाया। शुभ लग्न और शुभ नक्षत्र में देव स्वामी ने रुद्र शर्मा को अपनी कन्या का दान दिया। तदंतर जबकि विवाह मंत्रों से अग्नि में हवन किया जा रहा था तो सोना धोबी ने एक कटोरे में दूध रखवा दिया और खुद एक तांत का फांसा लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक सर्प वर को डसने के लिए वहां पर आ पहुंचा। इस पर सोना धोबी ने सांप के आगे दूध बढ़ा दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो सोना धोबी ने उसे तांत के फांसे में फंसाकर बांध दिया। उधर सांप को देखकर दूल्हा डर के मारे गिरकर बेहोश हो गया। इस पर सर्प सोना धोबी से बोला, यह तो डर कर ही मर गया, अब तुम इसे जीवन दान दो। इस पर धोबी ने अपनी मांग और बिंदी से हिंगुल और सिंदूर लगाया, कोया से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली। इसके बाद चीटली आंगनी का दीपक रख कर बोली, मैंने आज तक किस जितनी सोमवती अमावस्याओं का व्रत किया है उन सबका फल मैंने ब्राह्मण की बेटी को दिया। सोना धोबी ने इसका कहते ही दूल्हा उठकर बैठ गया। यह देखकर सभी बाराती सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के घर में पहले उसके पुत्र मरे, बाद में उसका पति भी मर गया और उसके पश्चात उसका दामाद स्वर्ग सिधार गया। सोमा के आने के बाद ही सोमवार युक्त अमावस्या आ पहुंची, जो मृत संजीवनी कहलाती है। इसी समय सोमा ने एक बुढ़िया को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी जा रही थी और बड़ी दुखनी होकर बहुत बुरी तरह से रोती हुई चली जा रही थी। बुढ़िया ने उससे कहा, बेटी मेरे सिर पर से रुई के भार को उतार लो, मैं इसके बोझ से दबी जा रही हूँ, फिर भी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, हे व्रते, आज एक तो अमावस्या तिथि है, दूसरे सोमवार भी है, इसलिए आज के दिन रुई को स्पर्श नहीं करती। मेरा आज के दिन का नियम है, इसी जगह एक मूलियों का बोझ लिए जाती हुई अन्य स्त्री को भी सोमा ने देखा। सोमा को देखकर इस मूली वाली ने भी कहा कि मैं उनके बोझ से दब रही हूँ, तुम मेरा बोझा उतार दो और थोड़ी देर मेरे पास खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने कहा, क्या तुमको मालूम है नहीं है, आज सोमवती अमावस्या का दिन है, सो मैं आज के दिन रुई मूली और तिल का कभी स्पर्श नहीं करती। इसके बाद पीपल के वृक्ष तले पहुंच और नदी के तट पर जा तीर्थ स्थान करके उसने सरकरा से विष्णु भगवान का पूजन किया तथा उस पेड़ की 108 बार प्रदक्षिणा की। भीष्म पितामह कहते हैं, जब उसने सरकरा हाथ में लेकर अष्टोत्तर प्रदक्षिणा की तो तभी उसके जमाता पति और पुत्र सब जीवित हो उठे और समस्त सिंघल द्वीप लक्ष्मी से परिपूर्ण हो गया और उसका घर भी अपरमित धन से भर गया। जब सोमा घर पहुंची तो अपने पति पुत्रों तथा जमाता को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तब सब पुत्र वधुओं ने अब उसको प्रणाम किया और यह पूछने लगी, हे देवी, तुम्हारे पति जमाता और पुत्र मर गए थे, तब वे सब कैसे और किस तरह जी गए, यह हमें बताओ। तब सोमा बोली, मैंने अपने व्रत का फल गुणवती को दे दिया था, उस पुण्य दान से इनकी आयु समाप्त हो गई, इसी से ये सब मर गए थे। अब जबकि मैं कांचीपुर
पुर से वापस लौट रही थी तो मार्ग में सोमवती अमावस्या का शुभ दिन आ पहुंचा। फिर मैंने रोई, मूली और तेल को नहीं छुआ और हे पुत्र वधुओं, जो मैंने सरकरा हाथ में लेकर पीपल में विष्णु का पूजन करके 108 प्रदक्षिणा की, इससे मेरे पति, पुत्र और जमाता सब जीवित हो गए। तुम भी इस व्रत को विध पूर्वक किया करो, इससे तुम सदा सौभाग्य को पाओगी। यूं कहकर सोमा ने सब पुत्र वधुओं से यह व्रत कराया। तब अनेक भोगों को भोग कर वह अपने पति पुत्र आदि के साथ सबों से परिवृत होती हुई विष्णु लोक को जा पहुंची। युधिष्ठिर जी बोले कि हे महाराज, इस व्रत का महात्म्य तथा विधि विस्तार से कहिए कि यह व्रत किसने किसे करना चाहिए। तब श्री भीष्म पितामह बोले, जब सोमवती अमावस्या हो तो तब वह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ होता है। उसी दिन व्रती प्रातःकाल उठकर स्नान करके रेशमी वस्त्र पहने और व्रती पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसकी जड़ में इस मंत्र सहित भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। मंत्र व्यक्त वैश्वरू वा सृष्टि स्थित अंत के करने वाले आदि अंत से रहित आपको नमस्कार है। इस तरह पीले वस्त्र, अक्षत, फूल, फलों, विविध प्रकार के फल, पुष्प तथा अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य तथा चोष्य पदार्थों से गोविंद का पूजन करें और इस मंत्र से पीपल के वृक्ष की पूजा करें। मंत्र हे अग्नि के आश्रय और गोविंद के उत्तम निवास, हे वृक्ष राज, मेरे सब पापों को दूर कर दो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर कहे कि हे देव, तुम जड़ से तो ब्रह्मा जी हो, ब्रह्मा जी के मध्य से विष्णु भगवान के और मस्तक से शिव के स्वरूप हो, तो हे अस्वस्थ देव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यह प्रदक्षिणा का मंत्र है। इस प्रकार पूजा करके मोती, सोना, चांदी, हीरा तथा मणियों को हाथ में लेकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री उपरोक्त वस्तुओं से रहित हो तो हे राजन, फल, पुष्प, भक्ष्य तथा वस्त्रादियों से ताम्र पत्र अथवा एक एक सुपाड़ी से भी 108 प्रदक्षिणा पूर्ण की जा सकती है। इसके बाद समस्त वस्तुएं ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। फिर घर की स्त्रियों सहित सात्विक भोजन करना चाहिए। हे भूप, इस प्रकार मैंने व्रतराज की विधि आपसे कह सुनाया, सो आप भी द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत राज को कराइए। इससे उत्तरा के गर्भ का मरा हुआ बालक फिर से जीवित जी उठेगा। हे नरेंद्र, इस व्रत को तथा विष्णु के पराक्रम को तुमने सुन लिया। जो स्त्री पति पुत्र तथा धन चाहती हो तो वह अवश्य यह व्रत करे। तब भीष्म जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब इसके उद्यापन की विधि को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिसके बिना व्रतराज की पूर्ति हो ही नहीं सकती। पहले सर्वदो भद्र बनावे और उसके बीच में एक उत्तम कलश को स्थापित करे। तदंतर सुवर्ण का एक पीपल वृक्ष और पंचरत्न की वेदी बनावे। उस पीपल वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की चतुर्भुजी तथा लक्ष्मी जी एवं गरुण जी की स्वर्णमयी मूर्ति बनावे। वह प्रतिमा एक मासे से लेकर पल भर तक की होनी चाहिए। षोडशोपचारों से उनका पूजन करें। जैसा कि अपना वैभव विस्तार हो वैसा ही नवैत पुष्प दीप निवेदन करें। रात्रि में जागे, खीर तथा तिलों से होम करें। इसके बाद इदम विष्णु की चक्र में इस वैदिक मंत्र से हवन करें। हवन के बाद पूर्णाहुति करके आचार्य का पूजन करें और उनको दुग्धवती गौ दान करके दे। तब सभी सभासद ब्राह्मणों को वस्त्र, भूषण आदि को से पूजन करके 12 ऋत्वजों का पूजन कर घी तथा खीर से उन्हें भोजन करावे। तब उनको वस्त्र, जनेऊ तथा दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे। उद्यापन पहले छठवें तथा 12वें वर्ष में करने से व्रतराज का यथोक्त फल प्राप्त होता है। तो ये मैंने आपको सुनाया सोमवती अमावस्या की कथा, जो कि आपने देखा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो है मंत्र, मैं आपको फिर से अभी बता दे रही हूँ ये किस तरह से हम बोलेंगे इसको। ये मंत्र जो है, इससे वैदिक जो है मंत्र है, इससे हवन करना चाहिए। इदम विष्णु विवन चक्र में इस मंत्र से हवन करना चाहिए। तो ये मैंने आपको सुनाया सोमवती अमावस्या, जो कि सोमवारी अमावस्या के नाम से जानी जाती है, तो इसकी कथा है।
और किस इसका महत्व आपने सुन लिया होगा, कितना ज़्यादा महत्व है इसका। और ये अगर किसी के पास, घर के पास में पीपल नहीं है, तो तुलसी के गमले में भी हम शालिग्राम जी को स्थापित करके उनकी विधि विधान से पूजा जैसे करनी चाहिए करके, और उनके ऊपर जो है पूरा पुष्प आदि से सब तरह से जैसे भी हम दीपदान करके उसकी पूजा करते हैं। और जो भी परिक्रमा आपने उठाई है शुरू में, जो हम उठाते हैं वही हम रेगुलर उसको करते हैं, चाहे आप 14 करें चाहे आप 108 करें, जितनी आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी क्षमता है करने की, शारीरिक क्षमता उस हिसाब से आप करिए, और जितनी आपकी आर्थिक क्षमता यानी कि जो भी आप दान देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अगर आपने 14 फेरा लगाया तो 14 चीज दान करनी चाहिए, अगर आपने 108 फेरा लगाया है तो 108 चीज का दान करना चाहिए, क्योंकि जो हाथ में दान किया जाता है उसको हम हाथ में लेकर जो फेरा लगाते हैं उसको एक जगह पर रखते जाते हैं, फिर वो उठा के हम किसी पंडित को दान कर देते हैं, दे देते हैं। तो ये मैंने आपको कथा सुनाई सोमवारी अमावस्या की, और आगे मैं और भी, अभी मौनी अमावस्या आएगी, आने वाली है, मकर संक्रांति आएगी, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगी आपको, और गणेश चतुर्थी आएगी जिसको हम लोग सकट भी कहते हैं, सकट के नाम से भी जानी जाती है, तो विनायक चतुर्थी के नाम से भी जानी जाती है, तो वो भी मैं आपके लिए कथा लेके आऊँगी। और ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और आप लोगों को शेयर करिए, किसी को नहीं जानकारी होगी तो इसकी जानकारी भी उसको हो जाएगी, और आगे मैं अच्छे वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होंगी, और तब तक आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं, जिस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं आप बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसी तरह के अपलोड करके डालूँ, और आप जो आप आराम से उसको देख सके हमारे वीडियो को, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, अच्छे वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।